क्लास स्क्रीन आपको विजिबल हो रही है? ओके, यस मैम। यस मैम। गुड आफ्टरनून क्लास। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून क्लास। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था, हमारा डिस्कशन का टॉपिक था प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, जो हमारा बेसिक या प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन का, कि हम लोगों को प्रॉफिट अर्न करना है, मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना है, और उस प्रॉफिट को हम आगे इन्वेस्टमेंट या और बाकी चीजों में दिखाते हैं। आज हम लोग बात करेंगे शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन या वेल्थ मैक्सिमाइजेशन जिसको हम कहते हैं, इस पर पूरा डिस्कशन अपना बेस्ड रहेगा। तो हम लोग बात करते हैं वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज वन ऑफ द मॉडर्न अप्रोचेस विच इन्वॉल्व्स लेटेस्ट इनोवेशन एंड इम्प्रूवमेंट्स इन द फील्ड ऑफ बिजनेस कंसर्न। हम जैसा कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कशन किया था थोड़ा बहुत वेल्थ के बारे में, कि ये क्या होता है और किस तरीके से बेसिकली होता क्या है। अब तक हम लोगों ने बात करी कि जर्नल एक टर्म जो ट्रेडिशनल वे में हम लोग बोलते थे कि हाँ हम लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया और हम अपना प्रोडक्ट सेल आउट करते हैं, और बंद करा दीजिए और हमारी थोड़ी। कोशिश पूरी पूरी हमारी कोशिश ये रहती है कि हमें ज्यादा से ज्यादा अपने प्रॉफिट्स अर्न हो पाए और हमारे कॉस्ट कम से कम हो पाए, हमें ज्यादा ज्यादा प्रॉफिट, ज्यादा ज्यादा हमारा प्रोडक्ट मार्केट में सेल आउट हो, ज्यादा प्रॉफिट हम अर्न करें। पर हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की। जब भी हम वेल्थ की बात करते हैं तो वेल्थ का मतलब हो जाता है एसेट्स, ठीक है, यानी हम प्रॉफिट के साथ साथ क्या कर रहे हैं, हम अपनी वेल्थ बढ़ा रहे हैं, हम अपनी एसेट्स बढ़ा रहे हैं। इससे क्या होता है, एसेट्स बढ़ाने पे जैसे जैसे हम अपनी एसेट्स बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे हर एसेट्स को हम एक तरीके से इन्वेस्टमेंट के तरीके से लेते हैं, और ये जो वेल्थ में हमारा किया गया इन्वेस्टमेंट होता है ये हमको बेनिफिट्स देता है, ये हमको फ्यूचर में, हमने अभी कोई अमाउंट लगाया है और फ्यूचर में किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया है तो उससे हमें कुछ जो एक्स्ट्रा पार्ट मिल रहा होता है, जितना पैसे लगाया होता है उसके अदर देन जो भी हमें पार्ट मिल रहा होता है वो सारा हमारा वेल्थ का होता है, वेल्थ से होने वाला प्रॉफिट्स होते हैं। तो ट्रेडिशनल अप्रोच बोलते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को, और इसको बोलते हैं मॉडर्न अप्रोच। नेक्स्ट है, इसी में ही हम लोग बात करते हैं द टर्म वेल्थ। वेल्थ मीन्स शेयर होल्डर्स वेल्थ और इट रिफर्स टू द मैक्सिमाइजेशन ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कोर्स ऑफ एक्शन फॉर इंक्रीजिंग शेयर होल्डर्स वेल्थ। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि जब भी हम कोशिश करते हैं कि हमारी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हो तो हम लोग एक टर्म की बात करते हैं जिसको बोलते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू। ये इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि हम ये चाहते हैं कि प्रेजेंट में जो हम अमाउंट लगा रहे हैं, ठीक है, कितना अमाउंट हम किसी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं और उसकी वर्थ कितनी है और उससे हमें कितना और एक्स्ट्रा फ्यूचर में मिल सकता है, उसका कितना बेनिफिट हमें उस इन्वेस्टमेंट का अर्न हो सकता है। जैसे भी बहुत सारे, जैसे हम लोगों ने बात करी कि बहुत सारी बड़ी कंपनियां होती हैं जो नए स्टार्टअप्स होते हैं उनमें इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। जैसे हम लोगों ने एग्जाम्पल किया था टाटा वालों ने इन्वेस्ट किया हुआ है बायजूस में या अनअकैडमी, ये भी एक स्टार्टअप की तरीके हैं, ये ऑनलाइन एजुकेशन सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं स्टूडेंट्स को अलग अलग जॉनर में, अलग अलग कैटेगरीज में। तो कहीं ना कहीं क्या हुआ, जब टाटा वालों ने ये प्रोजेक्ट बनाया होगा या उनके पास रिकमेंडेशन आई होगी कि भाई ऐसा करते हैं, हम लोगों को अगर अपना इन्वेस्टमेंट करना है तो हम लोग किस जगह अपना इन्वेस्टमेंट करें जिससे हमें प्रॉफिट्स अर्न हो, तो उनके पास अलग अलग प्रोजेक्ट्स आते हैं या लोग एक तरीके से ऑफर्स देते हैं कि हमारे यहाँ आप करिए और हमारा भी। तो बायजूस और अनअकैडमी या उस टाइम तो बहुत सारे और भी आए होंगे जिन्होंने अपने प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन दिखाया और उन्होंने बताया होगा कि किस तरीके से अभी कितना पैसा आप हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करोगे और हम आपको कितना रिफंड देंगे बाद में, ठीक है। तो ये दोनों तरफ से होता है, लोग अपने खुद के प्रोजेक्ट्स भी लेकर जाते हैं और कंपनियां खुद में भी इस बात को पूरी तरीके देखती हैं कि हमें इस ऑर्गेनाइजेशन में या इस जगह पैसा इन्वेस्ट करने पर हमें वापस में हमारा जो प्रेजेंट वैल्यू है इसकी कितनी वैल्यू हमें मिलेगी, क्या ये हमारा अभी जितना पैसा हम लगा रहे हैं इतना वर्दी है लगाना या नहीं है। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि ये जो प्रेजेंट वैल्यू है ये पॉजिटिव या नेगेटिव होती है।
तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कब ये पॉजिटिव होती है और कब ये नेगेटिव शो होती है। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है स्क्रीन में, अ पॉजिटिव नेट प्रेजेंट वैल्यू क्रिएट्स वेल्थ एंड देयर फोर इट इज डिजायरेबल। जब भी हमें पॉजिटिव एक नेट प्रेजेंट वैल्यू मिलेगी, ठीक है, आगे हम लोग नेट प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला देखेंगे। जब भी हमें एक पॉजिटिव नेट प्रेजेंट वैल्यू मिलेगी, इट मीन्स कि हमारा जो प्रोजेक्ट में, जिस भी प्रोजेक्ट में हम ऑप्ट कर रहे हैं, पैसा लगाना चाह रहे हैं, ये डिजायरेबल है, ये हमारे लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि इसका आउटकम पॉजिटिव दे रहा है हमें। जब हम देखते हैं कि ये हमारा एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू नेगेटिव में आ रहा है, तो हम उस प्रोजेक्ट में बिल्कुल भी पैसा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि हमारी वेल्थ को लॉस हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं, ये जो साइड में एक डायग्राम दिया हुआ है उसमें बात कर लेते हैं कि किस तरीके से ये वर्क करता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं होता क्या है कि जब शेयर होल्डर्स जो होते हैं उनकी वेल्थ जब एक्सेस में होती है, जब वेल्थ उनकी बढ़ती जाती है, यानी उनके पास एसेट्स एक कंपनी में, उनको जब अर्निंग्स होने लगती हैं, ठीक है, किसी कंपनी में जहां पर भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, तो उनकी वेल्थ मैक्सिमाइज हो जाती है, वेल्थ उनके पास इनफ आ जाती है, उस वेल्थ को अच्छे से इंजॉय करते हैं। इंजॉय मीन्स एक हेल्दी वे में उसको लेते हैं, कुछ अपने फ्यूचर के लिए सेव कर सकते हैं, कुछ बाकी जगह भी अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, कुछ यहाँ पे लिखा हुआ ना कैश इन हैंड, शेयर होल्डर्स कुछ अपने पास रखते हैं एज अ लिक्विड, लिक्विड फॉर्म में कुछ अपने पास रखते हैं ट्रेडिंग करने के लिए या दूसरी कोई एसेट्स परचेज करने के लिए। और इससे बेनिफिट्स क्या लेते हैं, उनको मिलता क्या है, इन शेयर से शेयर होल्डर्स को डिविडेंड्स मिलते हैं। जो शेयर होल्डर्स जब पैसा लगाते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो जो उन्हें प्रॉफिट का पार्ट मिलता है उसे बोलते हैं डिविडेंड्स। और दूसरी चीज होती है कैपिटल गेन। कैपिटल गेन क्या होता है, बेसिकली लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म में हम जब कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, मान लीजिए हम लोग ने कोई लैंड परचेज किया, ठीक है, हम लोगों ने लैंड परचेज किया था कुछ टाइम पहले, और वो जब हमने परचेज किया था वो 10 लाख का था। ठीक है, 10 लाख का हमने एक लैंड परचेज किया, 5 साल बाद हमने उसको 30 लाख में बेच दिया, तो ये जो एक्सेस का गेन हुआ हमें, यानी 10 लाख हमने उसमें इन्वेस्ट किए थे, ओवर द टाइम पीरियड उसकी वैल्यू इंक्रीज हो गई, और इंक्रीज होने के बाद हमने 20 लाख हमें एक्स्ट्रा मिले, यानी 10 लाख तो हमने पैसे लगाए थे उसके अलावा भी हमें एक्स्ट्रा मिला, तो ये जो 20 लाख हो गया इसी को बोलते हैं कैपिटल गेन। यानी जब हम कहीं पर अपनी पूंजी, अपना कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, तो उस इन्वेस्टमेंट से जो हमें रिवर्ट मिलता है, ठीक है, उस जो हमें वापस मिलता है रिवर्ट, उसकी वजह उससे जो भी हमें बेनिफिट्स होते हैं उसको बोलते हैं कैपिटल गेन। ठीक है, तो यहाँ यस पर मैम, और ये क्या, और ये जो कैपिटल गेन है, कोई कोई बच्चा शायद, किसी को लिंक नहीं मिल पाया है, मैसेज आ रहे हैं, कॉल आ रही है, तो आप देख लो आपके ग्रुप में शायद मैसेज है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं डिविडेंड्स और कैपिटल गेन की, जिससे शेयर होल्डर्स जो इन्वेस्ट कर पाते हैं या उनको रिसीव हो पाता है। और देन दिया हुआ है, इससे फर्म की वैल्यू बढ़ती है, जैसे जैसे फर्म की वैल्यू बढ़ती है वैसे वैसे वो डिविडेंड्स देते हैं और इस तरह की चीजों में इन्वेस्ट करते हैं। तो यानी यहाँ हम जो हम नीचे से अगर हम इस चार्ट को स्टार्ट करेंगे, तो ये फर्म की वैल्यू से स्टार्ट करेंगे, यानी जब फर्म की वैल्यू इंक्रीज होती है तो तब हम ये बात करते हैं, और जब हम ऊपर से स्टार्ट करेंगे तो जो शेयर होल्डर वेल्थ होती है, जो शेयर होल्डर अपना एक्सेस मनी है वो जब इन्वेस्ट करते हैं, तो हम उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो अल्टीमेटली एक शेयर होल्डर से जो कंपनी है, जो फर्म है, वो ऐसे कनेक्टेड होती है। शेयर होल्डर्स के पास पैसा होता है तो वो कंपनी में लगाते हैं। कंपनी क्या करती है, जो इन्वेस्टेड जो उनके शेयर होल्डर्स है, जिसने उनके पास इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है अपना, उनको वो उसके बिहाफ पे डिविडेंड्स देती है। तो इस तरीके से ये जो अल्टीमेटली हम लोग बात कर रहे हैं शेयर होल्डर्स के वेल्थ की, शेयर होल्डर्स धीरे धीरे हमारे ग्रो करते हैं, इसमें हम लोगों ने बात करी। अब हम लोग बात कर लेते हैं, जैसा इसमें बोला गया है नेट प्रेजेंट वैल्यू की बात करी गई है, तो हम लोग बात करते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू की। नेट प्रेजेंट वैल्यू इज अ टूल ऑफ कैपिटल बजटिंग टू एनालाइज द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ प्रोजेक्ट और इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं जो नेट प्रेजेंट वैल्यू होती है, ये कैपिटल बजटिंग में यूज किया जाता है।
सबसे ज्यादा कैसे, जब भी हम बजट बनाते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमें कहाँ से फंड आएगा, कहाँ कहाँ से हमें वो पैसा रिसीव होगा और कहाँ कहाँ में इन्वेस्ट करना है, ये हम देखते हैं बजट बनाते हैं, किस 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 जगह, किस किस सेक्टर में, कंपनी में या किस जगह हमें अपना इन्वेस्टमेंट देना है। तो होता क्या, प्रेजेंट वैल्यू का मतलब हुआ कि अभी हम इस जगह पे 10,000 रुपीज लगाएंगे तो हमें कितना फायदा मिलेगा इस जगह इन्वेस्टमेंट करने से। तो इसमें नेट प्रेजेंट वैल्यू का जानना बहुत जरूरी होता है। अब इसका कैलकुलेशन कैसे होता है, इट इज कैलकुलेटेड बाय टेकिंग द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। यानी हम किसी, मान लीजिए 5 साल के लिए कोई प्रोजेक्ट है, उसमें हमें पैसा लगाना है, ठीक है, तो हमें हर साल 1-1 लाख रुपए लगाने हैं, 5 सालों तक हमें 1-1 लाख रुपए लगाने हैं, तो 5 साल बाद हम कितने रुपए लगा देंगे, 5 लाख। और हमें उससे जब आउटफ्लो होना शुरू होगा तो नेक्स्ट ईयर हमें उससे आउटफ्लो होगा 7 लाख, ठीक है। तो यानी 5 लाख हमने लगाए ओवर द टाइम पीरियड और हमें एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है, 2 लाख हमें एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो यहाँ पर वही देखा जाता है कि कैश का इनफ्लो कितना हो रहा है पर्टिकुलर किसी एक प्रोजेक्ट में लगातार ओवर अ टाइम पीरियड, और कितना हमें उस प्रोजेक्ट से आउटफ्लो हो रहा है, कितना हमारे पास वो पैसा वापस हमारे पास आ रहा है। जब पैसा वापस आता है तो जो हमारा इन्वेस्टमेंट वापस आता है तो हम ये देखते हैं कि उसमें कितना पैसा ऐसा था जो हमने लगाया हुआ था। जब उतना आ जाता है तो हम लोग बोलते हैं, सेटिस्फाई हो जाते हैं, भाई जितना लगाया था उतना तो वापस आ गया है, अब देखते हैं एक्स्ट्रा कितना आ रहा है, ठीक है। तो इसी के हिसाब से हम अपने इन्वेस्टमेंट्स भी देखते हैं। तो इसलिए नेट प्रेजेंट वैल्यू का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में आपने नहीं देखा होगा कि नेट प्रेजेंट वैल्यू की बात करी गई, हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब हम लोग बात करते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की तो हम उसमें प्रेजेंट नेट प्रेजेंट वैल्यू को कोई अहमियत या कोई जगह नहीं देते हैं। दो चीजें ऐसी थी जो मेजर थी, जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, लेकिन हम उन्हें प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में उसको कहीं पर भी उसका प्लेस नहीं है। पहला था नेट प्रेजेंट वैल्यू, क्योंकि हम बेसिकली जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए हम देखते हैं, हम ये सोचते हैं ये प्रोडक्ट हमारा है और इसको बेचेंगे और इससे हमें प्रॉफिट आ जाएगा, बात वहीं पे खत्म हो जाती है। लेकिन जब हम वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की बात करते हैं, जब हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं, जब हम फ्यूचर में होने वाली बहुत सारी एक्टिविटीज की बात करते हैं, तब हम पूरी तरीके ये एश्योर करते हैं कि हम जितना पैसा लगा रहे हैं, हम जितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो हमें ओवर अ टाइम पीरियड उसका पूरा बेनिफिट हमें मिले। तो बेसिकली ये एक बहुत बड़ा डिफरेंशिएशन है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में। एक पॉइंट और था, दूसरा था रिस्क का, क्योंकि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में हम रिस्क को कंसिडर नहीं करते हैं, हम उसमें ये देखते हैं कि हमें, हम जितना ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे, जितना ज्यादा सामान सेल आउट करेंगे, उतना ज्यादा हमें बेनिफिट्स आते रहेंगे। यानी हम उसमें देखते ही नहीं है कि रिस्क वाला फैक्टर भी है, क्योंकि ओवर अ टाइम पीरियड कई सारी अनसर्टेनिटीज होती है मार्केट में। जैसे हम लोगों ने एक बार एग्जाम्पल की बात करी थी, वीडियोकॉन टेलीविजन आता था उस टाइम, वो ब्रांड था, तो उन्होंने अपने बहुत सारे इन्वेस्टमेंट किया अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, तो उन्होंने प्रेजेंट वैल्यू का असेसमेंट या वो अनसर्टेनिटी वाली चीजों का असेसमेंट किया ही नहीं, उन्होंने बस ये देखा कि हम कितना ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं फॉर्मूले की तरफ। एनपीवी का फॉर्मूला इज इक्वल टू आरटी। आरटी क्या होता है, नेट कैश फ्लो, यानी उस पूरे टाइम पीरियड में हम ये देखते हैं हम कितना कैश लगा रहे हैं, लगातार लगा रहे हैं या हमने एक साथ लगाया है, एक ही बात है, ठीक है। या तो हम एक साथ उस प्रोजेक्ट में पूरा पैसा लगा दें, ठीक है, या जैसे एफडीज होती हैं, हमने पूरा एक इकट्ठे दे दिया, 1 लाख को पूरा एफडी करा, फिक्स करा दिया, या हम रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट एक होता है जिसमें हम कहते हैं 1 साल तक हम आपको हर महीने 500 रुपए देते रहेंगे, ठीक है। तो वो क्या हो गया, ये दोनों चीजें हो सकती है, या तो हम इकट्ठे ले सकते हैं और अगर ये ओवर द टाइम पीरियड लेंगे तब भी हम उसे टोटल करके देख सकते हैं। फिर आता है उसको हम डिवाइड करते हैं, डिवाइड किससे कहते हैं, 1+i। i क्या होता है, डिस्काउंटेड रेट, ठीक। 1 क्या होता है, 1 होता है वैल्यू, यानी अभी जब भी हम कोई वैल्यू लेते हैं तो हमेशा 100% लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्योंकि मनी की बात कर रहे हैं तो इसके चार्ट्स होते हैं, जिस चार्ट में बताया जाता है कि मान लीजिए आज रुपी की वैल्यू 1, 1 रुपी इज इक्वल टू 1 रुपी, लेकिन फ्यूचर में हम 1 साल बाद 1 रुपी इज इक्वल टू 9.8,
हम लोग और नेक्स्ट सेकेंड ईयर देखेंगे अपना, मतलब आज थी, एक साल बाद देखा, अब 2 साल बाद देख रहे हैं तो 9.7 हो गया, फिर 3 साल बाद देख रहे हैं तो 9.6 हो गया। तो ये क्या हो रहा है, ये धीरे धीरे उसमें आप देख रहे हो कि ड्रॉप आता जा रहा है, एक डिक्लाइन आता जा रहा है, नीचे जा रहा है, क्योंकि टाइम के साथ साथ मनी की वैल्यू घटती जाती है। तो इसीलिए ये डिस्काउंट रेट देना जरूरी है, क्योंकि हमें उस, और हमें वन में वो ऐड इसलिए करना है क्योंकि हमें अल्टीमेटली वन की जो वैल्यू होती है उसे कंसिडर करना, उसे बराबर करते रहना है, इसलिए हम उसमें वो ऐड कर लेंगे। फिर ये जो टी, स्मॉल टी आपको दिख रहा है, ये है टाइम, यानी नंबर ऑफ इयर्स, यानी जो भी नंबर ऑफ इयर्स रहेंगे, 2 साल, 3 साल, 4 साल, जो भी रहेगा वो यहाँ पे उससे हम उसको उतने टाइम्स उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये तो हो गया हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू का सिंपल सा है, ठीक है, जितना कैश फ्लो रहा है उसको हम डिवाइड कर देते हैं 1 प्लस डिस्काउंटेड रेट, जो भी हमारा रेट उसमें दिया रहेगा। फिर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब हम लोग बात करते हैं, जैसे हम लोगों ने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में बात करी थी कि कैसे लोगों ने उसको क्रिटिसाइज किया है, या कुछ लोगों ने उसको फेवर किया है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को, कि कैसे चीजें कर सकते हैं। तो यहाँ पर उसी की बात करी जा रही है, किन किन चीजों से फेवर कर सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हम लोग बात कर रहे हैं, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज सुपीरियर टू द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन बिकॉज द मेन एम ऑफ द बिजनेस कंसर्न अंडर दिस कॉन्सेप्ट इज टू इम्प्रूव द वैल्यू और वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर्स। ऑब्वियसली जब हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात करते हैं तो हम शेयर होल्डर्स को निग्लेक्ट कर देते हैं, जबकि शेयर होल्डर्स ने कहीं ना कहीं हमारी कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है और उनका भी पार्ट बनता है। तो हम क्या करते हैं, हमेशा जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होता है उसको प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से सुपीरियर ही मानते हैं। हम ये मानते हैं कि भाई प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन उतना जरूरी नहीं है, लेकिन जो शेयर होल्डर्स जो हमारे इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके ऊपर फोकस करना भाई बहुत जरूरी है, क्योंकि उन्हीं से वो जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे उनका ट्रस्ट बनेगा, तो लोगों को भी लगेगा कि भाई ये कंपनी बड़ी अच्छी चल रही है। सेकेंड पॉइंट है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कंसिडर्स द कंपेरिजन ऑफ द वैल्यू टू कॉस्ट एसोसिएटेड विद द बिजनेस कंसर्न। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये आगे पढ़ लेते हैं, टोटल वैल्यू डिडक्टेड फ्रॉम द टोटल कॉस्ट इनकर्ड फॉर द बिजनेस ऑपरेशन, इट प्रोवाइड्स एक्सट्रैक्ट वैल्यू ऑफ द बिजनेस कंसर्न। सेकेंड पॉइंट हमें ये कहता है कि जो हम कॉस्ट लगाते हैं ना बिजनेस में, हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि हमने कितनी कॉस्ट लगाई, और होता है ना, जो हम लोगों ने डिस्कशन किया था लास्ट टॉपिक में जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, तो हमने देखा था कि प्रॉफिट निकालने के लिए हम टोटल रेवेन्यू से टोटल कॉस्ट लेस कर लेते हैं और हम देख लेते हैं हमें प्रॉफिट आ गया। ठीक है, लेकिन उसके बाद की भी तो चीजें हैं, हमने तो सिर्फ ये देखा कि हमने कॉस्ट निकाली, लेकिन उसके बाद हम शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी तो देंगे, हम जो भी हमने लोन लिया हुआ है उसको इंटरेस्ट भी तो पे करेंगे। तो हम ये नहीं कह सकते, पूरी तरीके कंसिडर नहीं कर सकते, सिर्फ कॉस्ट ही, जो बिजनेस से रिलेटेड जो कॉस्ट है, हम सिर्फ उसी को कंसिडर करते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में, जबकि ऐसा नहीं है। ठीक है, और भी कॉस्ट, और भी चीजें होती हैं जो उसी बिजनेस ऑपरेशन में लगी होती हैं, जैसा हम लोगों ने इंटरेस्ट की बात करी या टैक्सेस की बात करी, तो वो चीजें हम तभी जान सकते हैं जब हम वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को कंसिडर करेंगे। फिर आते हैं थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट हमें बता रहा है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कंसिडर्स बोथ टाइम एंड रिस्क ऑफ द बिजनेस कंसर्न। जैसे हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन दोनों पॉइंट्स को लेके चलता है, टाइम भी देखता है, जबकि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में हम लोगों ने टाइम को कंसिडर किया ही नहीं था, क्योंकि हम लोगों ने बस ये देखा कि हम प्रोडक्ट अपना सेल करते हैं और उससे हमें रेवेन्यू आता है, हम कॉस्ट निकाल देते हैं तो हम देख लेते हैं हमें इतना प्रॉफिट आ गया। तो हमने उन्हें कहीं पर भी ओवर अ टाइम पीरियड आपने कितना पैसा लगाया और उतने पैसे की आपको वर्थ आई कि नहीं आई, यानी जितना आपने इन्वेस्ट किया उतनी वर्थ आपको इनफ्लो, कैश का इनफ्लो हुआ या नहीं हुआ। और दूसरा जो मेजर पॉइंट था, रिस्क, जो हम कंसिडर नहीं करते हैं, जबकि अनसर्टेनिटी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, यानी लॉ चेंज हो गया, ठीक है, पहले कुछ और चल रहा था, अभी लॉ चेंज हो गया, जैसे इंजन्स के लिए आ गया था कि BS4 इंजन अब नहीं चलेंगे, अब 6 आ गया, अब 6 चलेंगे, तो
तो क्या हुआ, पूरी जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री थी, जहाँ पर व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री थी, वो तो पूरी सकते में आ गई कि भाई हमने तो इतना सारा प्रोडक्शन करा हुआ है और गवर्नमेंट ने ऑर्डर निकाल दिए हैं कि अब ये वाले इंजन तो चलेंगे नहीं। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा अनसर्टेनिटी है, रिस्क है, जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में हम कंसिडर ही नहीं करते हैं, लेकिन इसकी इसका इम्पैक्ट पड़ता है हमारे ऊपर। ठीक है, तो दो चीजें, टाइम एंड रिस्क, जो बिजनेस से रिलेशन में होती है, लेकिन हम सिर्फ प्रॉफिट में इसको नहीं देखते हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में हम इन सब चीजों को भी कंसिडर करते हैं। फिर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन प्रोवाइड्स एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, क्योंकि प्रॉफिट में हम सब नैरो रहते हैं और सिर्फ प्रॉफिट की ही बात करते हैं, लेकिन वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो हमारे जितने भी रिसोर्सेज होते हैं, यानी कहीं ना कहीं हमारे इन्वेस्टर भी हमारे रिसोर्स ही हैं जिनसे हमें फंड्स मिल रहे हैं, तो हम उनको भी अच्छी तरीके, उनका भी ध्यान रख पाते हैं, उनको भी स्पेस दे पाते हैं। लास्ट पॉइंट है, इट इंश्योर्स द इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। फिर कहीं ना कहीं जब हमारी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होती है तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग पार्ट होते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन का, वो ट्रस्ट दिखाते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, और कहीं ना कहीं हमारी खुद की पब्लिसिटी भी करते हैं कि नहीं भाई इस कंपनी में पैसा लगाओ, ये कंपनी बड़ी अच्छी है। ठीक है, रेगुलर डिविडेंड्स देती है, कहीं ना कहीं अपने शेयर होल्डर्स का ध्यान रखती है, तो कहीं ये जो एक होता है ना, ये वाला ट्रस्ट फैक्टर जो होता है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं माउथ पब्लिसिटी, ये बहुत बेनिफिशियरी होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक, क्योंकि जब भी कोई पर्सन इन्वेस्ट करना चाहता है ना, तो अपने जो दोस्त, जो अपना फ्रेंड सर्कल होता है, उन्हीं से पूछता है भाई तुमने पैसे कहाँ लगाए हैं, जहाँ तुमने लगाए मैं भी वहीं लगाऊंगा। ठीक, तो ये वाला फैक्टर तब काम करता है, और जो ये जो बेनिफिट्स होते हैं ये हमें अवेल हो पाते हैं। अच्छा, ये तो सारी बातें हो गई हमारी फेवरेबल आर्ग्यूमेंट्स, यानी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन या वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को जब हम फेवर करते हैं, तो उसके पॉजिटिव में हर वो चीज बोलते हैं जो उसको, जब वो जो एक पॉजिटिव सेंस में आ रही हो, या एक कहा जाए साउंड वे दिखाए कि भाई वेल्थ मैक्सिमाइजेशन तो बहुत अच्छा है। अब हम लोग बात करते हैं कुछ अनफेवरेबल आर्ग्यूमेंट्स की। तो यहाँ पर है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन लीड्स टू प्रिस्क्रिप्टिव आइडिया ऑफ द बिजनेस कंसर्न, बट इट मे नॉट बी सूटेबल टू प्रेजेंट डे बिजनेस एक्टिविटीज। ऑब्वियसली, क्योंकि जब हम वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की तरफ जाते हैं ना कहीं हम पहले से एक दायरा अपना बांध लेते हैं, प्रॉफिट की बात करते नहीं है। जब हम प्रॉफिट की बात नहीं करते तो हम अपने बिजनेस को बहुत ज्यादा कंसर्न में नहीं रहते हैं। तो यहाँ पे वही बात बोली जा रही है, हम एक प्रिस्क्राइब्ड तरीके से आगे बढ़ते हैं, और जो और चीजें और एक्टिविटीज जो हमारे बिजनेस में डेली रूटीन में डेली एक्टिविटीज हो रही होती है, हम उनको कंसिडर नहीं करते हैं। तो ये एक अनफेवरेबल आर्ग्यूमेंट है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का। फिर हम लोग बात करते हैं, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज नथिंग, इट इज ऑल्सो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, इट इज द इनडायरेक्ट नेम ऑफ द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अगर हम दो पॉइंट्स को हटा दें, यानी कि टाइम और रिस्क, ये दो चीज अगर हम हटा दें, तो लगभग वेल्थ मैक्सिमाइजेशन और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन सेम है। और एनपीवी हटा दें तो दोनों सही काम करेंगे। तो इसीलिए बहुत सारे क्रिटिक्स कहते हैं कि भाई जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, आपने उसका नया नाम रख दिया है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन बस। और यस यस मैम वेल्स में तो टाइम मेंशन किया जाता है ना। बिल्कुल 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 किया जाता है। हम लोग ये बात कर रहे हैं कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, मतलब क्रिटिक्स ये कह रहे हैं कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन दोनों सेम है। लोगों का मतलब जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का आपने नया नाम रखा है बस, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, जबकि हम वेल्थ में जब हम एसेट्स अपनी बढ़ा रहे होते हैं और ये सब कर रहे होते हैं, तो हम नेट प्रेजेंट वैल्यू की बात करते हैं, हम नेट प्रेजेंट वैल्यू की बात करते हैं, तो हम टाइम की बात करते हैं, और हम रिस्क की बात करते हैं, जो हम प्रॉफिट में नहीं देखते ये सब चीजें। तो क्रिटिक्स का ये भी कहना का मतलब है, जैसे हम लोगों ने ये वाला डायग्राम एक देखा था ना, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फर्म यानी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो गया, और यहाँ पर उनका कहने का मतलब है शेयर होल्डर की वेल्थ। तो उनका कहना मतलब है कि ऊपर
यहाँ से स्टार्ट करो या यहाँ से, लगभग है तो वो दोनों सेम ही चीजें, ठीक है। जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि हम उसमें क्या क्या चीजें और कंसिडर कर रहे हैं, हम लोग उसमें नेट प्रेजेंट वैल्यू, रिस्क और टाइम, ये सारी चीजें उसमें कंसिडर कर रहे हैं, तो ये दोनों सेम नहीं हो सकती, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट वो बोल रहे हैं, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्रिएट्स ओनरशिप मैनेजमेंट कॉन्ट्रोवर्सी। और ये ऑब्वियसली हो ही जाता है, क्योंकि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में क्या होता है कि जो लोग आपकी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो वो भी तो आपकी कंपनी का पार्ट हुए, आप क्या करते हो, जो कंपनी के टॉप मैनेजमेंट के लोग होते हैं वो अपने अकॉर्डिंग डिसीजंस ले लेते हैं, लेकिन जो इन्वेस्टर होते हैं, जब आप उनको इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो, तो वो भी तो आपके डिसीजन, जो जो भी आपके इंटरनल टेक्निकल मैटर्स हैं या चीजें हैं, वो भी तो उसका पार्ट बनना चाहेंगे। तो इससे क्या होता है, वो आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं कि भाई इससे तो कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि आप तो अपनी कंपनी को अपने हिसाब से चलाना चाहोगे, या जो आपकी ओनरशिप है आप अपने हिसाब से चलाना चाहोगे, लेकिन शेयर होल्डर्स भी तो कहीं ना कहीं ओनर हो जाते हैं, उतने भले ही वो कम पार्ट के हों या उतने ही पार्ट के हों, लेकिन कहीं ना कहीं तो वो भी ओनर है। तो वो एक कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट होती है कि वो चाहते हैं कि भाई हमें भी, हमारी बात को भी तरजीह दी जाए, हमारी बात की भी इम्पोर्टेंस दी जाए। तो ये एक बड़ा मतलब प्रॉब्लम है कि वो एक कंट्रोवर्सी इस बारे में क्रिएट रहती है। फिर बात करी जा रही है मैनेजमेंट अलोन एंजॉय सर्टेन बेनिफिट्स, ये भी सही बात है कि हम वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को तो बहुत मेजरली देखते हैं, और ये देखने का हमारा एक रीजन क्या होता है कि हम चाहते हैं जितने लोगों ने इन्वेस्ट किया है कंपनी में, हम उन्हीं पे ध्यान दें बस, क्योंकि वो कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमारा पूरा फोकस उन्हीं पे रहता है। और बेसिकली क्या होता है, जब कंपनी स्टार्ट होती है तो कंपनी के जो टॉप लेवल के लोग होते हैं उन्हीं का इन्वेस्टमेंट रहता है, बाहर के शेयर्स बहुत कम होते हैं। तो हम क्या करते हैं, ज्यादा बेनिफिट ले लेते हैं, यानी वेल्थ मैग, हम ये एक तरीके से इनडायरेक्ट फेवर लेने की कोशिश करते हैं और एक्स्ट्रा बेनिफिट्स लेने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि भाई जो इन्वेस्टर है इन्हीं की वजह से तो कंपनी रन कर रही है, ठीक। तो ये इस बारे में भी क्रिटिसाइज किया गया है कि मैनेजमेंट सिर्फ अपने बेनिफिट की वजह से वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की तरफ थोड़ा सा इंक्लाइंड है, थोड़ा सा झुका हुआ है। लास्ट आर्ग्यूमेंट दिया गया है, क्रिटिसाइज किया गया है, द अल्टीमेट एम ऑफ द वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव इज टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। लास्ट ये दिया जा रहा है, जो सेकंड वाले में भी बोला गया है और जो हम लोगों ने इस डायग्राम में देखा, ठीक है। तो वो ये कहना चाह रहे हैं, जो क्रिटिक्स हैं वो ये कहना चाह रहे हैं कि भाई वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का भी तो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव तो प्रॉफिट ही हुआ ना, ठीक है। वो ये बताना चाह रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन को कि आप किसी तरह से भी घूम फिर के आओ, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन पहुंचता तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की ही तरफ है ना, वो ये कहना चाह रहे हैं इनडायरेक्टली, ठीक है। और जो किसी हद तक सही है, लेकिन इस हम लोग ये तब जानते हैं कि ऑब्वियसली वेल्थ की जब भी हम लोग बात करते हैं तो उसमें एनपीवी की बात करते हैं, रिस्क फैक्टर की बात करते हैं, जो हम प्रॉफिट में बात नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये वो पैरामीटर्स हैं जिस पे क्रिटिसाइज किया जाता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को। और स्टूडेंट्स, जब भी एग्जाम में अगर ये वेल्थ मैक्सिमाइजेशन या प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन आता है एग्जाम में, तो आप ये इनके जो फेवरेबल या अनफेवरेबल आर्ग्यूमेंट्स है ना, जिन टर्म्स में इनको क्रिटिसाइज किया गया है, आप ये जरूर मेंशन कीजिएगा, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। फिर हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं मेरिट्स और डीमेरिट्स की बात करते हैं। यहाँ पे फटाफट से देख लेते हैं, हालांकि हम लोग काफी कुछ डिस्कस कर चुके हैं। तो मेरिट्स में जब आते हैं हम लोग, तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है, शेयर होल्डर्स का ध्यान रखना, नो डाउट। इनका पहला, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव यही होता है। सेकंड उनका ये भी ऑब्जेक्टिव होता है, लेंडर्स और क्रेडिटर्स जो होते हैं उनके इंटरेस्ट का भी ध्यान रखना, क्योंकि सिर्फ शेयर होल्डर्स ही हमारे यहाँ पैसा नहीं इन्वेस्ट करते हैं, हमारे लेंडर्स यानी हमारे जो जो बैंक्स होंगे जिनसे हमने पैसा लिया होगा, लोन ले रखा होगा, या और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होंगे, या हमारे क्रेडिटर्स हो गए। क्रेडिटर्स कैसे हो सकते हैं, जैसे सप्लायर्स हो गए। क्योंकि होता क्या है कि हम सप्लायर्स को बोलते हैं कि आप हमें
अभी हमें रॉ मटेरियल दो और हम आपको 1 महीने या 2 महीने में पेमेंट करेंगे। तो 1 महीने में तो आपने उस रॉ मटेरियल का फिनिश गुड्स तैयार करके मार्केट में डाल दिया, तो आपको तो पैसा रिसीव हो गया। तो कहीं ना कहीं आपको इनका भी ध्यान रखना है, क्योंकि वो जो अगर आपको टाइम स्लॉट दे रहे हैं ना, क्रेडिट पीरियड दे रहे हैं, इस क्रेडिट पीरियड का आप तो बेनिफिट ले रहे हो, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा अपने शेयर होल्डर्स का, अपने लेंडर्स का, अपने क्रेडिटर्स का। फिर देन उसके बाद आते हैं वर्कर्स और एम्प्लॉयज, जो लोग भी आपके यहाँ काम कर रहे हैं उनका भी ध्यान रखना है, क्योंकि होता क्या है कि जब भी जितने भी वर्कर्स आपके यहाँ काम कर रहे हैं ये सब ट्रेंड होते हैं, और अगर आपका कोई वर्कर छोड़ के चला गया तो पहले तो आपको नए वर्कर को वैसे ही ट्रेंड करना पड़ेगा, वो भी टाइम लेगा, आपका पैसा भी उसमें आप, क्योंकि सैलरी तो आप तो जब से वो ज्वाइन करेगा सैलरी तो आप तब से देना शुरू करोगे। और कई बार क्या करते हैं हम अपने एम्प्लॉयज को ही बोनस शेयर्स इशू कर देते हैं या ऐसा कुछ कर देते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं शेयर होल्डर्स, लेंडर्स, क्रेडिटर्स, वर्कर्स या एम्प्लॉयज, इन सब की चीजों का ध्यान रखना होता है। तो ये एक मेजर ऑब्जेक्टिव है, और कहीं ना कहीं ये एक अच्छी बात है, क्योंकि अगर हम इन सब का ध्यान रखते हैं तो अपने आप ही हम हमारी कंपनी एक अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस देती है और एक साउंड ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है। तो ये एक मेरिट है वेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। लास्ट पॉइंट है, इट ऑल्सो इंश्योर फेयर रिटर्न्स टू द शेयर होल्डर्स, बिल्डिंग अप रिजर्व्स फॉर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, इंश्योरिंग फाइनेंशियल डिसिप्लिन इन द मैनेजमेंट। और क्योंकि हम लोग वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में पूरा यही कोशिश करते हैं कि हमारे पास हमारी वेल्थ का कुछ पार्ट ऐसा हो जो हम एसेट्स में इन्वेस्ट करें, तो जब हम एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं तो हमारी कंपनी ग्रो करती है, एक्सपेंशन होता है उसका, हम लोग बहुत सारी और सिस्टर कंसर्न, छोटी कंपनियां या ब्रांचेस खोल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है ये इन वे में हमें बेनिफिट पहुंचाती है। ठीक है, देन हम लोग फिर बात करते हैं कुछ इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेजेस पहला है गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस, क्योंकि कई बार हमारे पास गवर्नमेंट के कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी होती हैं। जैसे मान लीजिए हमारी कंपनी छोटी है, ठीक है, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है, और उसमें हम वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के बहुत सारे रूल्स, रेगुलेशंस या बहुत सारे बेनिफिट्स एप्लीकेबल नहीं कर पाते हैं। जब हम लॉन्ग टर्म की चीजें लेते हैं तब हमें वो बेनिफिट्स मिल पाते हैं। जैसे हम बैंक से लोन लेने जाइए, आप किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से लेने जाइए और आप गवर्नमेंट के किसी बैंक से लोन लेने जाइए, तो आपको दिखता है कि इंटरेस्ट रेट में डिफरेंस रहता है, फैसिलिटीज में डिफरेंस रहता है। तो इसी तरीके के गवर्नमेंट के रिस्ट्रिक्शंस भी काम करते हैं, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, प्रोडक्ट वाइज अलग अलग। तो कहीं ना कहीं ये एक इन चीजों का हमें ध्यान रखना है। फिर दिया है रिड्यूस द प्रॉफिटेबिलिटी, क्योंकि हम पूरा फोकस वेल्थ मैक्सिमाइजेशन पे करते हैं, प्रॉफिट को थोड़ा सा नजरअंदाज करके रख चलते हैं और उस बारे में या नए इनोवेटिव तरीकों के बारे में नहीं सोचते कि कैसे हमारा प्रॉफिट इंक्रीज होगा। तो ये एक डिसएडवांटेज है। थर्ड पॉइंट है, मोस्ट ऑफ द शेयर्स आर हेल्ड बाय फ्यू पीपल, ये मेजर डिसएडवांटेज है। जैसा हम लोगों ने यहाँ पर बात करी, अगर आप लोग देखा हो यहाँ पर एक पॉइंट लिखा है ना, मैनेजमेंट अलोन एंजॉय सर्टेन बेनिफिट्स, यही डिसएडवांटेज है। क्योंकि हम क्या करते हैं, जितने ज्यादा शेयर्स होते हैं वो कुछ लोगों के हाथ में ही रखते हैं, तो ये जबकि क्या है कि गलत है। आप सारा का सारा शेयर अपने पास ही रखे हो, आप उसे इशू ही नहीं कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि आपको पता है भाई ज्यादा इन्वेस्टमेंट हम करेंगे और हमें को बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि हम वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को तरजीह देते हैं, प्रेफर करते हैं, तो हमें बेनिफिट्स भी ज्यादा मिलेंगे और हमारे पास शेयर्स भी ज्यादा हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक डिसएडवांटेज रहता है। फोर्थ पॉइंट है, फर्म्स वेल्थ इज नॉट कंसिडर्ड। हम लोग ऑब्वियसली फर्म की वेल्थ पे कम ध्यान देते हैं, यानी फर्म की एसेट्स बढ़ाना या फर्म को एक्सपेंशन करना, ग्रो करना, हम उस पे थोड़ा कम फोकस करते हैं, और हम जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी वेल्थ पे ज्यादा फोकस करने लग जाते हैं। तो ये एक डिसएडवांटेज है। लास्ट दिया हुआ है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज अ प्रिस्क्रिप्टिव आइडिया। प्रिस्क्रिप्टिव आइडिया इसलिए क्योंकि आप शेयर्स में क्या होता है, आप बंद जाते हो, आपको एक सर्टेन रेट के, सर्टेन परसेंटेज के शेयर्स इशू किए गए, और अगर वो रिडीमेबल आपको शेयर्स इशू किए गए तो 10 सालों में वो वापस भी ले लिए जाएंगे, या जो जितने भी साल की बात करी गई हो,
उतने साल में वो आपसे वापस भी ले लिए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं एक प्रिस्क्राइब तरीका है और उसी के अकॉर्डिंग ही आपको काम करना होता है। फिर हम लोग आ जाते हैं, लास्ट स्लाइड है अपनी, और हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं दोनों को, या वर्सेस जो हमारा टॉपिक स्टार्टिंग में लिखा था, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वर्सेस शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। अब हम लोग सब डिस्कस कर चुके हैं, ये बहुत इसके सारे पॉइंट्स आसानी से समझ में आ जाएंगे। प्रॉफिट में देख रहे हैं, इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू अर्न लार्ज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स, यस। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में हम लोग बात करते हैं, इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू अचीव हाईएस्ट मार्केट वैल्यू ऑफ कॉमन स्टॉक्स। यहाँ पर हम लोग मार्केट वैल्यू, अपने शेयर्स की मार्केट वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, और फर्म के प्रॉफिट पे ध्यान नहीं देते। फिर आते हैं सेकेंड है, इट एम्फेसिस शॉर्ट टर्म। ऑब्वियसली जब भी हम प्रॉफिट की बात करते हैं, क्योंकि हम ये सेलिंग से रिलेटेड होता है, यानी हमने रेवेन्यू रिसीव किया, कॉस्ट निकाली, प्रॉफिट आ गया, ठीक है। और जब हम लोग वेल्थ की बात करते हैं तो ये लॉन्ग टर्म, क्योंकि शेयर, डिबेंचर्स, लोन, ये मोस्टली सारी लॉन्ग टर्म की चीजें ही हैं। थर्ड पॉइंट है, इट इग्नोर्स द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ऑब्वियसली ये नेट प्रेजेंट वैल्यू, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को नहीं सजेस्ट करता है, लेकिन जब हम वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की बात करते हैं तो ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इग्नोर्स रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। ऑब्वियसली प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में हम रिस्क को और अनसर्टेनिटी को कहीं पर भी कंसिडर नहीं करते हैं, बट इन वेल्थ मैक्सिमाइजेशन वी कंसिडर और रिकॉग्नाइजेस रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, क्योंकि हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी की बात करते हैं, और जब हम टाइम की बात करते हैं तो रिस्क और अनसर्टेनिटी उसके साथ में आता ही आता है। लास्ट पॉइंट है, इट इग्नोर्स टाइमिंग ऑफ रिटर्न्स। हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में रिटर्न्स की भी बात नहीं करते हैं, कब रिटर्न आएंगे, जब सामान बिकेगा हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा, लेकिन हम जब क्योंकि इसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी की बात करते हैं, ड्यूरेशन की बात करते हैं, तो हम रिटर्न्स भी देखते हैं कि हमें कितने साल में कितना रिटर्न्स हमें आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो वर्सेस वाली सिचुएशन हो गई। यहाँ पर हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का टॉपिक कंप्लीट होता है क्लास। अगर किसी को, थैंक यू क्लास, अगर किसी को कुछ पूछना है तो वो आप पूछ सकते हो। क्लास अपनी अटेंडेंस मेंशन कर दीजिएगा चैट बॉक्स में।